हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आई होप सो सब बड़े होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सर, हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस। ये जो AS होते हैं, या फिर अगर फाइनल लेवल पे बात करूं तो IND AS होते हैं, इनके आंसर्स को किस तरीके से लिखना है। देखिए क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, अकाउंट्स हो, एडवांस अकाउंट्स हो, FRO, जो पहला क्वेश्चन रहता है, दैट इज टोटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड। अब वो AS बेस का क्वेश्चन कंपलसरी भी रहता है, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तो सर अवॉइड कर ही नहीं सकते, हमें किसी भी हालत में करने ही करने हैं वो। और सर स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपने उसके आंसर अच्छे से लिखे हैं। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि बच्चे सर AS सबको पता होता है कि क्या आंसर है, लेकिन फिर भी 5 में से बच्चों के आ रहे हैं 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। तो सर मार्क्स कहां कट रहे हैं, क्या रीजन है कि जो बच्चों के पूरे नंबर नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि बच्चों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता है, कि सॉल्यूशन पता है कि क्या है, उसका आंसर क्या है, लेकिन फिर भी बच्चा उस आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। इंस्टीट्यूट क्या मांग रहा है आपसे, ये चीज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं, ये सर थ्योरिटिकल भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं, मिक्स होते हैं। इसमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो थ्योरिटिकल होते हैं, कोर थ्योरिटिकल होते हैं। जैसे मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये कोर थ्योरिटिकल है। AS 4, AS 5, ये कोर थ्योरिटिकल है। कुछ प्रॉपरली प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे AS 7, AS 20, AS 19, ये पूरे प्रैक्टिकल है। और कुछ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स भी होते हैं, जैसे AS 2, AS 3। ये सब क्या होते हैं सर, मिक्स स्टैंडर्ड्स है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक तो पूरा का पूरा थ्योरिटिकल रहेगा, एक हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहेगा, और एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं एग्जाम के क्वेश्चन की बात करूं, तो एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन आता है AS का, वो सर 2 पार्ट से में आता है। एक आती है पूरी की पूरी केस स्टडी, जिसे मैं कहता हूं सर थ्योरिटिकल आएगा वो। देखिए AS का कभी भी आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये AS क्या होता है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता। तो उसमें या तो कोई थ्योरिटिकल केस आएगा आपका, या फिर उसमें आएगा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आएगा 5 नंबर का। ये 5 से ऊपर नंबर का क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब वो 5 में से हमें चाहिए पूरे 5 नंबर, कैसे हम उसमें 5 में से 5 स्कोर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं सिर्फ अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आया, या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर हमारा थ्योरिटिकल क्वेश्चन आया, मतलब जिसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, उसको आपको कैसे आंसर करना है। आंसर को सर आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलना है। पहला जो पार्ट रहेगा, इसमें आप बताएंगे रेलेवेंट, ये फर्स्ट पार्ट है, रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ AS, रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ AS। सर क्या AS का हमें नंबर भी लर्न करना है, नाम भी लर्न करना है? डेफिनेटली यस, बिल्कुल सर आपको AS का नंबर और नाम लर्न करना है। आप सर क्या रट्टा मारे, लर्न कैसे होगा? वो लर्न तब होगा जब आपने कंटिन्यूअसली बार 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 आप AS के आंसर को पढ़ रहे हैं। देखिए सर, जितनी बार आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर को पढ़ेंगे विद इट्स नेम एंड नंबर, उसके नंबर और नाम के साथ, आपको वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। आपको अलग से कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी पढ़े तो सर आप नाम और नंबर से पढ़े। जैसे आप AS 1 पढ़ रहे हैं, तो हमेशा पढ़े उसे एज पर AS 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज दिस, एज पर AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी दिस दिस दिस। तो मतलब नंबर और नाम के साथ आप आंसर को रीड करेंगे तो सर अपने आप ही आपको लर्न होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देना है, रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ AS। स्टार्ट आपको किस हिसाब से करना है, आपको लिखना है सर एज पर, या लिख सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद, एज पर AS, लेट अस से AS 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये आपने लिखा नाम। फिर आप शुरू कर दीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो कौन से AS के कौन से प्रोविजन में से, तो उस प्रोविजन को सर 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। दूसरा आप बताइए फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, कि आपसे जो केस स्टडी पूछी गई है उसके क्या फैक्ट्स हैं, उसमें वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को ब्रीफ में बता दीजिए। बेसिकली फैक्ट्स कुछ नहीं होते, क्वेश्चन का ब्रीफ होता है कि इन दिस केस मिस्टर XYZ लिमिटेड हैज दिस दिस हैज डन दिस दिस दिस, ठीक है। और लास्ट में आपको देना पड़ेगा सर कॉन्क्लूजन, कि अकॉर्डिंग टू, या फिर लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द AS इन दिस केस वी कॉन्क्लूड दैट, मतलब ऐसे लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग या आफ्टर अप्लाइंग रेलेवेंट प्रोविजन
ऑफ ए एस इन दिस केस इन द अबव केस वी कॉन्क्लूड दैट, वी कॉन्क्लूड दैट, और यहां पर आपका क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। ठीक है जी, तो ये चीज आपको करके चलनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस में। देखो कभी कभी क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से ना पार्ट्स आते हैं, जैसे एक ही क्वेश्चन में चार पांच पार्ट आ गए। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल लेके AS4 की, अगर मैं बात करूं तो AS4 में क्वेश्चन आएगा आपको कई सारे इवेंट्स दे दिए जाएंगे और वो बताना पड़ेगा आपको वेदर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो सर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें आप रेलेवेंट प्रोविजन में देंगे एज पर AS4 एडजस्टिंग इवेंट इज दिस एंड नॉन एडजस्टिंग इज दिस। फिर फैक्ट ऑफ द केस में आप कुछ कुछ नहीं लिखना, आपको वो क्वेश्चन बताने हैं और उसका आंसर उसके साथ ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहता है दैट इज योर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए प्रैक्टिकल में आपके पास लेट से इन्वेंटरी वैल्यूएशन का क्वेश्चन आया, तो सर प्रैक्टिकल में आप स्ट्रेट अवे प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करेंगे, आप स्ट्रेट अवे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आपको बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन कहां से है, लिखना पड़ेगा सर, इंपॉर्टेंट चीज है ये, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। फिर आप देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, जैसे आपका नॉर्मल वैल्यूएशन के क्वेश्चन है, वैल्यूएशन प्रिंसिपल के ऊपर है, तो आप लिख सकते हैं एज पर AS2 वैल्यूएशन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट, इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, मतलब ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, देन यू कैन सॉल्व योर आंसर। फिर आप बता सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और लास्ट में आपका सर रहेगा कॉन्क्लूजन। सर एक कॉन्क्लूजन देना बहुत जरूरी है, यहां पर आपने सॉल्व कर दिया अगर और यहां पर आपने आंसर निकाल दिया तो सर ये कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, आपको बताना पड़ेगा कॉन्क्लूजन क्या है, क्योंकि आपको वो देखना पड़ेगा कि वो मांग क्या रहा है क्वेश्चन में, वो मांग रहा है कि आपसे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल के दिखाइए और आपने यहां पर कॉस्ट निकाली है, तो सर कॉस्ट आंसर थोड़ी ना है, वो तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है, भले आपकी NRV कुछ ना दे रखी हो, NRV कुछ ना दे रही हो, तो सर कॉस्ट ही हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगी, तो आपको देना पड़ेगा कि कंक्लूजन में कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी दिस, सिंस NRV इज नॉट गिवन तो इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट दैट इज दिस। सर ये हमारे तरीके हैं प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। ठीक है जी, बताइए क्लियर हुई है वाली बात। सो हाँ जी, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से आंसर करना है, क्योंकि सर AS में बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे के अकाउंट्स में सर 90 प्लस मार्क्स आए, तो 90 प्लस लाने के लिए सर AS को भी आपको स्कोर करके चलना पड़ेगा। सम अप मैं करूंगा वीडियो को किस हिसाब से कि अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले आप लिखेंगे रेलेवेंट प्रोविजन, AS का नाम नंबर जरूर आपको लर्न होना चाहिए, फिर आप लिखेंगे फैक्ट ऑफ द केस और लास्ट में कंक्लूजन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आपको प्रैक्टिकल में भी सबसे पहले देना पड़ेगा एज पर AS नाम और नंबर, और जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिए कि क्वेश्चन कौन से एरिया से है, वो एरिया के बारे में दो लाइन लिखिए, सॉल्व कीजिए और लास्ट में कंक्लूजन देना जरूरी है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी। सर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि बच्चे क्या होता है जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछता कुछ और है बच्चे लिखते कुछ और हैं, तो सर ये गलती नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। देखिए ऐसी ज्यादा दिक्कत आती नहीं कि हमें ये नहीं पता लग रहा है कि कौन से AS से क्वेश्चन है, वो आपने AS की अच्छे से पढ़ा हुआ है AS तो आपको पता लग जाएगा कौन से AS से क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि बच्चे क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहे, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी सर बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बताइए जी, चलिए फिर तो सर AS के आंसर्स को जरूर ड्राफ्ट करके दिखिएगा, दो चार आंसर जरूर हर AS के आपको लिख के देखने पड़ेंगे, तभी आपकी उसमें स्पीड और आपको एक ICAI का पैटर्न, मतलब अपने आंसर आप लिखिए और ICAI के पैटर्न से मैच कीजिए, तो सर तभी आपको पता लगेगा कि इंस्टीट्यूट क्या चाह रहे हैं और हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट मिलती चली जाए। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।